कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। गुलजार की एक बहुत फेमस कविता है, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। वो किताबें वैसी ही हैं जो आप किसी के रिकमेंडेशन पर लेके आ गए होंगे या किसी के सुझाव पर आपने वो ख़रीद ली लेकिन पढ़ नहीं पाए। अगर किताबें आप अपनी मन की ख़रीदते हैं और पढ़ के ख़रीदते हैं तो वो किताब आप पढ़े बगैर नहीं छोड़ पाते। एक ऐसी ही कोशिश है जो सड़क पर हो रही है। आप आके ब्राउज़ कर सकते हैं, किताबें देख सकते हैं, उसके बाद ख़रीद सकते हैं। ये सफ़र नया नहीं है इनके लिए, ये दूसरी बार इंडिया के टूर पर निकले हैं और इस बार कविता लेकर निकले हैं। हमारे साथ हैं शताब्दी जी और अक्षय जी। ये कब शुरुआत हुई, आप लोगों को कब लगा कि इस तरह की कोशिश होनी चाहिए कि हमें निकलना चाहिए बाहर? जी, हम लोगों ने वॉकिंग बुक फेयर की शुरुआत 2014 में उड़ीसा में कोरापुट नाम की एक जगह से की थी, जहाँ पर हम लोग अपने बैकपैक्स में किताबें लेके चल रहे थे, पास के गांवों में डिस्प्ले कर रहे थे, फुटपाथ्स पे और बस स्टॉप्स में और जो भी पब्लिक स्पेसेस थे जहाँ पे हर तरह के गांव के लोग आ सकें और किताबें देख सकें। तो उससे हमारी शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमें लगा कि हम दूसरे लोगों तक, दूसरे जगहों तक कैसे पहुंच सकें, इसलिए हमने एक सेकेंड हैंड मारुति वैन, जो एक एम्बुलेंस थी, वो हमने ख़रीदी थी और उसमें हम लोग किताबों के बॉक्सेस लोड करके हम लोग उड़ीसा भर में घूमे किताबें लेके। पर हम लोग सड़कों पर ही डिस्प्ले करते थे, फुटपाथ में, और इस तरीके से हमने शुरुआत की थी। और ये हमारा सेकंड इंडिया टूर है और इस बार हम लोग सिर्फ पोइट्री की किताबें लेके घूम रहे हैं। तो ये भारत का पहला वो बुक स्टोर है जहाँ पे सिर्फ कविताओं की किताबें हैं और एक फ्री लाइब्रेरी भी है जहाँ पे सब वेलकम है, आके किताबें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अगर चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। अच्छा, हम उस दौर में हैं जहाँ लोग दोस्त भी बहुत दिन बाद मिले तो अपने अपने फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, ऐसे में सड़क किनारे लगी इन पुस्तक की दुकानों पर भीड़ होती है, रिस्पॉन्स कैसा है? देखिए, साहित्य के लिए कोई तो भीड़ चाहिए नहीं, जिसको साहित्य समझ में आता है वही पढ़ता है। बहुत सारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, लेकिन उनमें से जो निकल रहे हैं वो साहित्य पढ़ेंगे वो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में खाली इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे तुमको नौकरी मिलेगा करके। हम उसको बदलना चाहते हैं। अगर एक भी जन आता है कोई देखने के लिए इन किताबों को तो हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है, और उस दिन जब सब पढ़ने लगेंगे नौकरी के लिए नहीं, अपने आप को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, तो दुनिया का तस्वीर जो मतलब ज़रूर ही बदलेगा। पॉलिटिक्स से लेके, वर से लेके, जो भी दुनिया में चीज़ें हैं सबके बारे में समझने के लिए स्कूल और कॉलेज की किताबों से बाहर निकल के और कुछ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, और ये है हमारा प्रयास। अब कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक दीपक भी काफ़ी होता है रोशनी के लिए। आप लोग कहाँ कहाँ हुआ है इससे पहले, कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, टूर कब खत्म हो रहा है इसके बारे में? जी, एक 2 महीने लंबा टूर है जो 10,000 किलोमीटर और 20 राज्यों का सफ़र है किताबों के साथ, और हम लोग ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ आर टूर पहुंच चुके हैं। ये हमारा कोलकाता हमारा लास्ट स्टॉप है, उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर वापस चले जाएंगे, और कोलकाता से पहले रांची का स्टॉप था आज। जी, अच्छा, इससे पहले भी आप लोग रांची आई थी या पहली बार है इसके पहले जो टूर में निकले? नहीं, इससे पहले हम लोग रांची नहीं आए थे, पर झारखंड में हम लोग देवघर और पाकुर गए थे इससे पहले वाले टूर में, और इस बार पहली बार हम लोग रांची आए हुए हैं। जी, नॉन फिक्शन किताबें लगभग 5,000 किताबें इससे पहले लेकर निकले थे, इस बार कविता लेकर निकले, अगली बार तो हम सोचते हैं कि मतलब एक बड़ा सा बस लेके जाएं और जिसमें लोग कुछ देर घूम भी सकें किताबों के साथ, ताकि लोगों को पता चले किताबें ज़रूरी क्यों हैं। अगली बार क्या करेंगे वो तो बहुत दूर है, पहले लोगों को पता चलना चाहिए कि स्कूल कॉलेजेस से ज़्यादा ज़रूरी है ये सब किताबें, कविता है उसमें, बहुत तरह के कहानी हैं जिनको लोगों को पढ़ना चाहिए, और हम लोग अगली बार भी ये करते रहेंगे। कैसा रहेगा स्वरूप पता नहीं, बट वैसा ही करते रहेंगे जो पिछले 5 सालों से कर रहे हैं, किताबों को प्रमोट करेंगे डिग्री के लिए नहीं, अच्छी समझ के लिए। आखिरी सवाल है मेरा, चूँकि आप लोग इतने जगह घूमते रहे हैं और ये दूसरी बार है, तो इंस्टेंट चीज़ें चाहते हैं लोग आज। फेसबुक पे छोटा सा स्टेटस पढ़ लिया और खुशी मिल गई, लिखते भी वैसे ही हैं और इतना उनके पास धैर्य नहीं है कि पूरे 500 पेज की किताब पढ़ लें,
किक चाहिए, वो चीज़ ऐसी कहीं दिखी, कुछ बदलाव दिखा आप लोगों को? कोई गलत तो नहीं है, मतलब अगर इंस्टेंट कुछ चाहिए, नूडल्स अगर अच्छा लगता है लोगों को तो खाएं नूडल्स, लेकिन जब बहुत भूख लगेगा तो पराठा या रोटी खाएंगे या फिर चावल खाएंगे। मुझे लग रहा है अभी भूख आया नहीं है लोगों में, जब लोगों को समझ में आएगा कि नौकरी से पैसा से कुछ बड़ा चीज़ है, तभी जाके इंस्टेंट चीज़ का दौर ख़त्म होगा। लोगों को समझ में आएगा कि 10 किताब पढ़ के 99 रख के एक डिग्री ले लिया और कुछ बन गए, वैसा नहीं है, किताबें उससे कहीं बड़ी है, तभी जाके इंस्टेंट का ज़माना जाएगा। लोग पढ़ेंगे अपने आप को समझने के लिए, दूसरों को समझने के लिए, अभी उसके लिए थोड़ा समय बाकी है। शताब्दी, आपका क्या अनुभव है? मेरे ख्याल से अगर हम लोग बुक स्टोर्स, लाइब्रेरीज, फिज़िकल किताबें, ऐसी जगह जहाँ पे फिज़िकल किताबें हैं, अगर ऐसी जगह ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सोसाइटी में बनेंगी तो ज़रूर चेंज आएगा, लोग बदलेंगे। क्योंकि हम लोगों का एक्सपीरियंस जो है, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं, 5 लोग हों, 10 लोग हों, 50 लोग हों, 100 लोग हों, ऐसे बहुत से लोगों से हम लोग मिलते हैं और हर बार यही लगता है कि अगर किताबें हैं तो रीडर्स भी हैं, पर अगर किताबें नहीं हैं, बुक स्टोर्स नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, तो रीडर्स भी नहीं है, बस वही है। यहाँ के बाद आप लोग कोलकाता के लिए जा रहे हैं जी? फिर वहाँ से कोलकाता से हम लोग भुवनेश्वर वापस चले जाएंगे जी। तो आप किताबें ऑनलाइन पढ़ते हैं और ये वीडियो भी आप ऑनलाइन ही देख रहे होंगे, एक अपील है आपसे, अगर आप कोलकाता में रह रहे हैं तो ये ढूंढिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यहाँ की जो किताबें वो देख सकें और एक आदत डाल सकें पढ़ने की। धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा, नमस्कार।